भाइयों बहनों, राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में, लेकिन रामलला ने जब मंदिर अयोध्या में विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को पवित्र कर दिया तो भगवान राम अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ओरछा में आकर के विराज गए। राम के दो पुत्र लव और कुश थे, उनके नाम पर आपने नगर पालिका परिषद का नामकरण ही लव कुश नगर कर दिया। भाइयों बहनों, एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं, एक नया भारत जो भारत दुनिया के अंदर एक नई राह दिखा रहा है। भारत के बारे में दुनिया के नजरिए बदले हैं, हर व्यक्ति भारत को बड़ी सकारात्मक भाव से देख रहा है। दुनिया में जहां कहीं संकट होता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, आशा भरी निगाहों से देखती है। दुनिया को एक आशा है भारत के प्रति। याद करिए 2014 के पहले के भारत को, दुनिया में सम्मान नहीं था, दुनिया महत्व नहीं देती थी। भारत का नागरिक कहीं जाता था दुनिया में, उनके प्रति लोगों का नजरिया कुछ और था। 2014 के बाद ये नजरिया बदला है, निगाहें बदली हैं। भारत आज दुनिया के अंदर पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। आने वाले समय में भारत को तीन बड़ी अर्थव्यवस्था में से स्थापित करना है तो इसके लिए आवश्यक है मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। फिर से बस गई है, महाकाल का महालोक एक नई अनुभूति करा रहा है और 500 वर्षों का इंतजार के बाद रामलला भी तो अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। कांग्रेस ही कहते थे कि केवल राम के नाम का उपयोग करते हैं, बोलते थे ना, जब हम बोलते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे तो कांग्रेस ही हम पे कटाक्ष करते थे ना। और बाद में जब भैया हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, गुलामी का ढांचा भी हटाएंगे, मंदिर भी वहीं बनाएंगे, तो फिर इन्होंने एक और उसके साथ जोड़ा कि ये लोग बोलते हैं लेकिन करेंगे नहीं, ये लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, अब तो मंदिर बनाने की बात ही नहीं, अब तो रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। और 22 जो यहाँ पे पाल जी ने जो बताया है, 22 जनवरी 2024 को रामलला भी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। जनता जनार्दन के लिए, एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक नौजवान के लिए, माताओं और बहनों के लिए कांग्रेस एक समस्या है और इस समस्या से ही मुक्ति करने के लिए चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है। मुझे आश्चर्य होता है भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। कितनी विधानसभा है? 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा, और कांग्रेस के कितने सदस्य हैं? दो, मात्र दो। और भाइयों बहनों, बहुजन समाजवादी पार्टी के कितने हैं? एक सिंगल आदमी, यानी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश
की जनता ने और इन दलों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत नजदीक से समझा है। और मैं आज आपके पास आया हूं भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश पिछले 20 वर्षों में, अगर बीच में एक डेढ़ वर्ष के इस कालखंड को छोड़ दें जब धोखे से कांग्रेस ने सत्ता त्याग ली थी, भाइयों बहनों पिछले 20 वर्ष में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने सबसे पहला काम किया बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरने में मध्य प्रदेश को मदद की। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य नहीं है, प्रगति के पथ पर, समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और लाडली बहना योजना ने तो मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया है, बेटियों का, बहनों का सम्मान इससे ज्यादा क्या हो सकता है, आधी आबादी का सम्मान हो रहा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लाडली लक्ष्मी योजना पहले से यहाँ कार्य कर रही थी, मातृवंदना योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इसको लागू कर दिया गया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी बेहतर कार्य यहाँ पे हुआ। आज मध्य प्रदेश एक नई दिशा में जा रहा है, विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। और उन स्थितियों में मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूँ, खजुराहो भी तो इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और खजुराहो से सीधे झांसी होते हुए लखनऊ जाने का रास्ता भी तो बहुत आसान है, अब तो कहीं वसूली नहीं होती होगी, अब कोई गुंडागर्दी नहीं होती होगी। भाइयों बहनों डबल इंजन की सरकार जब रहेगी तो सुरक्षा की भी गारंटी देगी, विकास की भी देगी और सुशासन की भी गारंटी देगी। ये जो आवास दिए जा रहे हैं गरीबों को, शौचालय उपलब्ध कराए गए गरीबों को, घर घर बिजली पहुंचाई गई गरीबों के घर, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर कर दिया जाएगा। और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कांग्रेस होती है वैक्सीन कभी नहीं बन पाती भारत में, लेकिन मोदी जी ने मात्र 9 महीने के अंदर इस बीमारी के लिए, उपचार के लिए वैक्सीन दे दी, और वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन निकली, राशन की सुविधा उपलब्ध करवा दी। भाइयों बहनों राशन 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से लगातार राशन मिल रहा है, और अगले 5 वर्ष तक ये लगातार जारी रहेगा, मोदी जी ने घोषणा कर दी है 5 वर्ष तक जारी रहेगा, लागू हो रही है। भाइयों बहनों यह डबल इंजन की सरकार ही कर पाएगी, अगर कहीं गड़बड़ाया तो फिर कांग्रेसी सब हजम कर जाएंगे, कुछ नहीं बचने को बचेगा, गरीब के लिए, कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं बचने वाला। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, मध्य प्रदेश की आवश्यकता है, यहाँ के नौजवान की आवश्यकता है, यहाँ के अन्नदाता किसान की आवश्यकता है, यहाँ की बहन और यहाँ की बेटियों की आवश्यकता है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में आए, और इसीलिए आज मैं आपसे आप सबसे अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। भैया बहनों सुरक्षा की गारंटी भाजपा देगी, सुरक्षा का कितना बेहतर वातावरण, दंगे नहीं हो सकते, दंगाई गायब, गौ तस्करी बैन, अवैध स्लॉटरिंग बंद, अगले को सामने वाला। भाइयों बहनों ये जो माफिया कांग्रेस की सरकार में पनपते हैं, कहीं भू माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं जंगल माफिया, कहीं गौ माफिया, भाजपा की सरकार के समय माफिया के लिए नहीं, आम
जनमानस के लिए, आम जनमानस के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए कार्य योजनाएं बनती है, उसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य होता है और उसको ही आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ पर राजनगर विधानसभा क्षेत्र में और चांदना विधानसभा क्षेत्र के लिए अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों का और अच्छे प्रतिनिधि के साथ साथ अच्छी पार्टियों को भी चुनने से होगा। और भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार के कारण आया है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं होती, केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश में इतना परिवर्तन नहीं हो पाता। वहां तो हर दूसरे दिन दंगे होते थे, हर शहर में एक बड़ा माफिया कब्जा कर चुका था, पैरेलल सरकार चलती थी, सड़क पे कोई चल नहीं पाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा माफिया सब गायब। दूसरे लोग आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, आज विकास की एक नई कथा वहां रची जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है और वही डबल इंजन की सरकार जो आपने अब तक यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के लिए रची है, इस कथा को लगातार, इस गाथा को आगे लगा करके, आगे ले जा करके विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। और इसीलिए आज मेरी आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपसे आया हूं राजनगर और चंद्रा विधानसभा क्षेत्र के लिए। आप सब सहमत है डबल इंजन की सरकार के लिए? लवकुश नगर सब सहमत है ना? राजनगर और चंद्रा विधानसभा क्षेत्र के लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत है? जहां तक आवाज जा रही है, आज सायंकाल चुनाव प्रचार बंद, कल सायंकाल प्रचार बंद होगा और परसों एक दिन का बचेगा घर घर जाकर के कन्वेंसिंग करने का, इसके बाद 17 को चुनाव होना है, मध्य प्रदेश के भाग्य का फैसला करना है आप सबको। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों कि एक बार फिर से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में लाने की आवश्यकता है। सभी लोग सहमत हैं? सभी सहमत हैं? श्री अरविंद पटेरिया को राजनगर से, श्री दिलीप अहिरवार को चंदला विधानसभा क्षेत्र से कमल चुनाव चिन्ह पर, याद रहेगा ना? क्या कमल याद रहेगा ना? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।